बिलासपुर जिला में लगातार बढ़ रही आवारा पशुओं की समस्या से नाराज स्थानीय ग्रामीणों व किसानों ने मिलकर धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे स्थित बिलासपुर जिला के बगेड़ चौक पर रजिस्टर आवारा पशुओं के साथ जमकर हंगामा किया और NH पर चक्का जाम भी किया। वही लगभग 2 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के चलते शिमला बिलासपुर हमीरपुर स्थित धर्मशाला की ओर से आ रहे सैकड़ों वाहनों का लंबा जाम भी लगा रहा। बिलासपुर जिला में लगातार बढ़ रहे आवारा पशुओं की समस्या से नाराज स्थानीय ग्रामीणों व किसानों ने मिलकर धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे स्थित बिलासपुर जिला के भगेड़ चौक पर रजिस्टर्ड आवारा पशुओं के साथ जमकर हंगामा किया और NH पर चक्का जाम किया। लगभग 2 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के चलते शिमला बिलासपुर हमीरपुर सहित धर्मशाला की ओर से आ रहे सैकड़ों वाहनों का लंबा जाम लग गया। यही नहीं, इस जाम में 2 108 एम्बुलेंस भी फंस गई, लेकिन गनीमत यह रही कि इन एम्बुलेंस में कोई पेशेंट नहीं था। वहीं लंबे चक्के जाम को देखते हुए घुमारवीं पुलिस ने मौके पर आकर जाम खुलवाने की पूरी कोशिश की मगर नाकाम रहे। ग्रामीणों के इस उग्र प्रदर्शन को देखते हुए SDM घुमारवी शशिपाल शर्मा, DSP राजेंद्र जसवाल सहित पशुपालन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात करके कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। प्रदर्शनकारी सुनील शर्मा का कहना है कि बिलासपुर जिला में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सड़कों पर घूमने वाले ये आवारा पशु पंचायत स्तर पर पशु मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। बावजूद इसके ये पशु सड़कों पर आवारा घूमने को मजबूर हैं और पशुपालन विभाग और पंचायत इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। पीछे हिमाचल सरकार की एक ऐसी नीति के ऊपर हम आघात कर रहे हैं। एक तरफ हिमाचल सरकार ये कह रही है कि हम पंजीकृत पशुओं को पंजीकरण कर रहे हैं, पंजीकृत 20% पशु सड़कों पर पंजीकृत घूम रहे हैं। सरकार ये तय करे कि इन पंजीकृत पशुओं को कौन चिन्हित करेगा और संबंधित मालिकों के ऊपर उनको भेजा जाएगा उनके पास। तो इस प्रकार की अराजकता का जो माहौल जो आज हम देख रहे हैं सड़कों पे है, पंजीकृत पशु सड़कों पे छूटे हुए हैं। ये छोटे छोटे बछड़े जो आप देख रहे हो ये पंजीकृत नहीं है। ये सरकार के द्वारा 2007 से लेकर आज तक जितनी भी योजना चलाई गई गौओं के संरक्षण के लिए सारे भ्रष्टाचार से युक्त रही, क्योंकि हिमाचल सरकार से हमने यह कहा कि आप गौवंश की स्थायी व्यवस्था की समय सीमा तय करें। हिमाचल सरकार जब करोड़ों रुपए के द्वारा लगाकर जब ये गौशालाएं बना रही हैं, तो हिमाचल सरकार इस बात से क्यों कतरा रही है कि वो समय सीमा तय करने में झिझक रही है। हिमाचल सरकार समय सीमा को तय करे, सार्वजनिक करे। किसान रात रात भर जाकर अपनी फसलों को बचाने के लिए खेत में सोया पड़ा है और ये दुधारू गौशालाओं में जाकर अपनी कामयाबी का डंका पीट के सरकार ये बता रही है कि हमने गौशालाएं खोली हैं, जबकि लावारिस पशुओं के लिए गौशालाएं बनाई गई थी जो आज दुधारू गौशालाओं में परिणत हो गई हैं। भगेड़ चौक पर लगे लंबे जाम के चलते यात्रियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे SDM शशिपाल शर्मा ने बताया कि पशुपालन विभाग सभी पशुओं को रजिस्टर्ड करवाने का काम कर रहा है और अगर कोई भी पशु मालिक अपने पशु को आवारा छोड़ता है तो उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये टेलीफोन के माध्यम से करीब 1:15 बजे करीब पता चला था कि ऐसे ऐसे करके बगेड़ चौक में जो है लोगों ने पशुओं को जो कि इंजर्ड हैं या सुधे हैं उनको लेके जो है चक्का जाम किया हुआ है और ट्रैफिक दोनों तरफ बंद कर दी हुई है। उसको लेके जो है DSP साहब से बात हुई और इमीडिएटली यहाँ पर आए और यहाँ पे लोगों को सुना गया। तो इनकी डिमांड है उसके कैटल को लेके है जिसमें कैटल को पूरी इंजन कर जाता है और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो प्रदर्शनकारी थे उनको सुना गया है विस्तार से और इसमें जो भी नियमानुसार प्रावधान नियमों के तहत होगा वो संबंधित के खिलाफ जरूर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।